नमस्कार, इंडिया मिड टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह बात करेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बावरी समाज को टिकट दे दिया, संतोष बावरी को। लेकिन यह बात हजम नहीं हुई। राजनीतिक दलों ने ऐसा उथल पुथल कर दिया कि अभी समझ नहीं आ रहा इस समाज को हम क्या करें, क्या निर्णय लें। 2013 में प्रियंका बेलान की टिकट कटी और शिमला बावरी को टिकट दी और बड़ा भरोसा किया। बावरी समाज में आतिशबाजी और पटाखों के साथ स्वागत किया कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उसको जीत भी मिली। शिमला बावरी विधायक चुने गए, 5 साल उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। लेकिन 2018 में फिर भाजपा ने बावरी समाज पे भरोसा किया और संतोष बावरी को 30,000 के लगभग वोट हासिल करने वाली संतोष बावरी यहां से जीत गई और दूसरी बार बावरी समाज ने अनूपगढ़ विधानसभा जीत लिया। जो 20 वर्षों से इस विधानसभा से तरस रहे थे कांग्रेस के नेता, लेकिन आज खेल कर दिया, एक बड़ा खेल कर दिया, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार ही दिया। क्योंकि जन भावना को देखते हुए बताया जा रहा है कि संतोष बावरी को टिकट दिया भाजपा ने, लेकिन शिमला बावरी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमारी भावना को समझा नहीं। लेकिन आज निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना में उतर आए और पगड़ी पहनाकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन दुग्गल ने इसकी घोषणा कर दी और कार्यकर्ताओं को कसमें भी दे डाली कि आप को शिवजी महाराज की कसम है, अगर आप पीछे हटेगो तो ये चुनाव आपका है। आप विधायक हो, आप ही कैंडिडेट हो, आप ही कार्यकर्ता हो, आप ही वर्कर हो, ऐसी बात कहकर उन्होंने ऐलान कर दिया। अब साईं मंदिर में शिमला बावरी को समाज के लोगों ने बुलाया है, क्योंकि समाज का फैसला है कि बलवंत सिंह आम आदमी पार्टी से टिकट मांग लाए तो लोगों की मंशा है कि जो कैंडिडेट चाहिए उसको वोट दें। लेकिन हमारे साथ समाज के लोग बने हुए, क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या आखिरी फैसला है? क्या वो संतोष के साथ जाएंगे, क्या वो आजाद निर्दलीय उम्मीदवार के साथ जाएंगे? इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पता चल सकेगा क्या फैसला समाज के, बावरी समाज के मुखियों ने। गुरु जी, क्या फैसला है, आखिरी फैसला जो समाज ने किया है? गोसाई मंदिर में हम खिलाफ करेंगे। आज गोसाई मंदिर में बावरी समाज की एक मीटिंग हुई है, उसमें सर्वसम्मति से सभी समाज के लोगों ने तय किया है कि निर्दलीय कोई व्यक्ति, बावरी समाज का व्यक्ति खड़ा होता है तो समाज उसके साथ नहीं लगेगा, नंबर एक। दूसरी बात ये तय हुआ है कि जब तक कांग्रेस की टिकट क्लियर नहीं होती तब तक समाज उसको टिकट को देखेगा। उसके बाद में हम समाज की एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग में बुला के फिर हम डिसीजन करेंगे। समाज की आज शिमला जी को हमने बुलाया, शिमला जी ने हमें कहा है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है और मैं समाज की जो भावना है उसकी मैं कदर करूंगी, मैं सोचूंगी, समझूंगी, समाज के साथ रहूंगी। जी, अभी उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है, हम कांग्रेस की टिकट का वेट करेंगे, उसके बाद में हम डिसीजन करेंगे। यहाँ बावरी समाज अनूपगढ़ के अंदर एकजुट है। जी, मैं एक सवाल आपको कर रहा हूँ, अगर सिंबल कांग्रेस का नहीं मिलता बावरी समाज को, क्या शिमला बावरी की आप बरखिलाफ ही करोगे? देखो, जिसके पास सिंबल होगा जी बावरी समाज उसके साथ लगेगा, निर्दलीय के हम बावरी समाज किसी के साथ नहीं लगेगा, चाहे शिमला बावरी जी हो चाहे कोई और हो, हम उसके साथ बावरी समाज नहीं लगेगा। एक तरफ भाजपा ने बावरी समाज को सिंबल दे दिया है, दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से रामादेवी बावरी को अगर सिंबल दे दिया जाता है तो आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दोनों प्रत्याशियों में किस दावेदार को आप समर्थन देना चाहोगे? हमारी समाज की मीटिंग होगी, हम उसमें तय करेंगे, हम समाज पे सोचेंगे कि जो आपको अच्छा व्यक्ति लगता है, प्रत्याशी लगता है, आप उसको वोट कीजिए। लेकिन हम भाईचारा, एकता बना के रखेंगे, क्योंकि जीतना हमारा बावरी समाज का व्यक्ति ही है, तो ये हमारा डिसीजन आज भी हो रहा है। जी जी।
गुरु जी, जैसे बलवंत की आम आदमी पार्टी में टिकट मांग रहा है, इसको भी अगर सिंबल मिल जाता है, क्या बावरी समाज इसके साथ भी जाएगा? कोई फैसला ऐसा करोगी जो सभी के हित में होगा? देखो जी, अभी हमारे समाज की जो आज ये मीटिंग थी गोसाई धर्मशाला के अंदर, तो यहाँ पर तमाम एरिए से गंगानगर तक हमारे संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आज सुबह से यहाँ पर लगातार मीटिंग चल रही है। तो इस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया है कि मान लो हमारे समाज के अंदर भाजपा ने अभी संतोष जी को टिकट दे दिया है, जी जी। एक सिंबल हमारे समाज को मिल चुका है, जी जी। और दूसरे सिंबल का अभी इंतजार हो रहा है, यानी कि कांग्रेस का, जी जी। तो और तीसरे हमारे बलवंत जी हैं जो आम आदमी पार्टी से अपना टिकट मांग रहे हैं। तो जब इन सभी पार्टियों के टिकट फाइनल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सभा होगी, और उस सभा के अंदर हम सब मिलजुल करके एक फैसला लेंगे कि किस पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। यहाँ अभी शिमला जी, बावरी जी आए थे, क्या वो महसूस कर रही थी कि समाज उससे नाराज है इस बात को? इस बात में तो हम समाज के हैं, वो भी हमारी बेटी है, बहन है, और उसके बारे में ऐसा कुछ हम सोच भी नहीं सकते कि क्या वो महसूस कर रही थी या नहीं कर रही थी। लेकिन उसने आश्वासन दिया है कि मैं अपने समाज के साथ हूँ, और पहले भी रही हूँ और हमेशा से आगे भी रहूँगी। मैडम, उसने ये चुनाव ने जब घोषणा की है मैं चुनाव लड़ूंगी, तब समाज से क्यों नहीं वार्ता की और समाज से क्यों नहीं पूछा? ये कड़ा एक सवाल है। हो सकता है कोई राजनीतिक उन पे दबाव हो सकता है वो किसी के बहकावे में आई हो, जी जी। ऐसा नहीं पूछ सकते, लेकिन राजाई हैं और हमारे को आश्वासन दिया है, जी जी। कर वापसी करवा लोगे? विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है हमारे को कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे, जी जी। और निर्दलीय अगर लड़ेंगे तो हमारा समाज उनके साथ नहीं है, ये उनको तो श्योर है। धन्यवाद।